हेलो दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको मोशन में यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन बताया था। फिर हम अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस उसमें ये मायने रखता है कि कितना कवर किया, कवर पाथ, और नॉट नेसेसरी डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि अगर डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड दे दे तो क्या होगा। जैसे हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, अब आपने स्पीड का नाम सुना होगा। ये स्पीड वो चीज़ होती है कि हमने डिस्टेंस पर सेकंड कितना कवर किया। मान लीजिए हमने कोई पाथ 50 मीटर का है और उसको 10 सेकंड में कवर किया है 50 मीटर को, तो हम अगर इसमें डिवाइड देंगे 50 × 10, आपको पता है ये तो मीटर है, मीटर है इसकी यानी इसकी यूनिट और इसकी सेकंड, तो हम इसमें डिवाइड देंगे तो 5 आएगा। तो 5 मीटर और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमने 5 मीटर पर सेकंड कवर करी। क्योंकि अब हमें दिख रहा था कि हमने 50 मीटर 10 सेकंड में कवर करी, तो यानी हमने 10 को 50 में डिवाइड किया तो हमारा आंसर निकल गया है 5। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई 100 किलोमीटर की दूरी है, अब वो इंसान पहले यहाँ खड़ा था, बाद में यहाँ पहुँच गया। अब उसने ये कवर किया मान लीजिए 4 सेकंड में, 4 सेकंड, तो यानी उस ये पूछा जाएगा कि अमैन, इंग्लिश में कि अमैन कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन जस्ट 5 मिनट, टेल मी दिस स्पीड। तो हम इसमें हमें साफ पता लग रहा है कि हमें पाथ डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो हमें निकालनी है स्पीड। तो 100 / 4 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। यानी एक इंसान ने 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति सेकंड कवर करी है। तो हम अब आगे देखते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखती, तो यानी इससे ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं टाइम, देखो टाइम में तो बस सेकंड ही होता है, सेकंड, मिनट, आवर, ये चीज़ होती है। तो इसमें मेन चीज़ एक तो डिस्टेंस, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन इसमें ज़रूरी नहीं है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड होगी इसमें भी डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात ज़रूरी नहीं है, यानी इसमें भी डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जब कुछ लोग कहते कि आपकी स्पीड कितनी थी ऐसे ये, तो उसमें भी अब जैसे स्पीड क्या आती है, जैसे हम बाइक चलाते हैं, चलो हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि बाइक की ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही थी, तो गाड़ी चला रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसमें पूछा जाए चाहता है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो उसने 100 किलोमीटर कही कि 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जैसे सेकंड की यानी हमें
जो ये डिस्टेंस होती है इसकी वैल्यू अगर किलोमीटर में दिए तो किलोमीटर में निकाल दिए, मीटर में दिए तो मीटर में निकाल दिए, लेकिन जो टाइम होता है उसकी वैल्यू हमें मिनिमम सेकंड में निकालनी होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अब इसमें साफ साफ से दिख रहा है 1 आवर मतलब 60 सेकंड, तो हम 100 में डिवाइड देते हैं 60 सेकंड का, तो कितना निकल के आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 6 में 10 का दे तो 1 बचा 4, 4 तो हम यहाँ देख के देख लेते हैं 60, पहले तो इसमें तो हटा देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो तो हटा ही देते हैं। अभी 6 में 10 का दे 1, बचे 4, 0 लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 6 5 30, 6 6 36, यानी उसकी यही चलती रहेगी। अब वापस 4 बच जाएंगे, 36 4, तो इसमें ऐसे ऐसे, यानी उसकी स्पीड 1.666 मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड थी। अब हम आगे देखते हैं कि अब इसमें डायरेक्शन जरूरत नहीं है, अब जैसे ये कार जा रही है, अब मैं कह हूँ कि गंगापुर से, यानी जहाँ मैं रहता हूँ उससे जयपुर तक की दूरी 140 किलोमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं गंगापुर से जयपुर खाऊँ या जयपुर से गंगापुर खाऊँ, यानी मेन डिस्टेंस मैं 2 की बता रही हूँ, लेकिन अगर कहे कि गंगापुर से जयपुर की दूरी 140 किलोमीटर एक गाड़ी जा रही है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो गंगापुर से जयपुर जा रही है जयपुर से गंगापुर आ रही है। तो यानी अगर गंगापुर से जयपुर जाती तो ऐसा सिंपल लगा देते हैं, और जयपुर से गंगापुर आती तो ऐसा लगा देते हैं। जैसा मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच की दूरी 5 मीटर, तो अगर मैं ए भी लिख दूँ और 5 मीटर, तो मैं इससे ये नहीं बता सकता कि ना मैं ए से बी जा रहा हूँ या बी से ए, लेकिन अगर मैं ये लगा देता हूँ तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मैं ए से बी जा रहा हूँ। यही चीज़ थी डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट में अपन अगर लगा देते थे ये सिंबल तो हमें पता लग जाता है हम किस कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जा रहे हैं, यानी हमारा इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट कौन सा था। अब हम आगे देखते हैं, अब मैंने यहाँ आपको बता दिया कि ये इसको रब कर देता हूँ पहले, इसमें मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में अगर टाइम का डिवाइड दे देते हैं तो इससे निकल के आता है वेलोसिटी। अब जैसे स्पीड थी, स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का जरूरी होता है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का जरूरी होगा। अब ये भी ऐसे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं कि ए से बी एक इंसान जा रहा है नॉर्थ में, उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, वो 15 सेकंड में इसको कवर करता है, 15 नहीं 5 ही मान लीजिए, 5 सेकंड में कवर करता है, तो उसका वेलोसिटी बताइए। तो हमें अब देना तो यही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन पहचानेंगे कैसे अगर क्वेश्चन में लिखा जाए, एक तो वो बताएगा कि इसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी से तो आपको पता ही लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और फिर ये भी आ सकता है कि एक इंसान ए से बी जा रहा है और नॉर्थ में ऐसे डायरेक्शन दे दे, तो उसमें हम 5 में 5 का डिवाइड दे देंगे,
तो आंसर आएगा 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यानी उसने 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कवर किया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, बस इनमें ये अंतर है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन ज़रूरी है और स्पीड में डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। ऐसे स्पीड में डायरेक्शन दे भी सकते हैं लेकिन इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि डिस्टेंस तो ए से बी तक कैसी भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही रहेगी, बिल्कुल सीधी यानी शॉर्टर डिस्टेंस। तो ऐसे ही वेलोसिटी में होता है, वह आपने देख लिया कि डिस्टेंस और वेलो स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या होता है, वही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। जैसे ही बस उनमें टाइम टाइम का डिवाइड दे दीजिए। तो हम अब आज इतना ही कब करते हैं, क्योंकि आगे का यानी हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग, गुड बाय, जय हिंद।